हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, कल हमने सेपरेशन शुरू किया था, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो उसमें हमने देखा था कि जो मिक्सचर होते हैं वह कई तरह के होते हैं, और उस मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो उसमें जो सबसे पहला टेक्निक हमारा था बाई सब्लिमेशन। तो आज हम लोग बच्चों सब्लिमेशन के थ्रू हम लोग मिक्सचर को अलग करने का प्रोसेस सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो हमारा टेक्निक है वह है सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। हम यहां पर जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट करने वाले। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, हमने सब्लिमेशन कि व्हेन वी हीट एनी सब्सटेंस व्हेन दे आर इन प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म देन दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस फॉर्म विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फॉर्म देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब कि जब किसी ठोस वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वह लिक्विड अवस्था में गए बिना वह सॉ गैस की अवस्था में चले जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और जो सब्सटेंस या गुण दिखाता है उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। तो यह हमने पढ़ा था, थोड़ा सा यहां पर उसका डिस्कस कर लेते हैं। द चेंज ऑफ सॉलिड directly into vapor on heating and off vapor into solid on cooling is called sublimation। क्या कह रहा है, इधर changing of solid directly into vapor। इस solid से सीधा क्या हो जाना, vapor में convert हो जाना। कब, जब उसको गर्म करें, एंड ऑफ फ्रॉम वेपर इनटू सॉलिड, और उस वेपर को फिर क्या करें हम, ठंडा करें तो वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन is used to separate those substances from a mixture which sublime on heating। क्या कह रहा है कि the process of sublimation is used to separate those substances from mixture which sublime on heating। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको आप समझवाओ कि हम सब्लिमेशन प्रोसेस से उसको हम अलग कर सकते हैं कि जो क्या हो जाए, गर्म करने पर वह वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, मतलब सब्लाइम कर रहा हो। जैसे देखो आप कि कॉमन साल्ट है, उस कॉमन साल्ट में जैसे मान लीजिए कि कंफर मिल गया है, कपूर मिल गया, तो उसको कैसे हम अलग करेंगे। तो आप जानते हो कपूर क्या होता है कि उसको गर्म करते तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कॉमन साल्ट क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, है ना। इसी तरह से जो मान लीजिए कि कॉमन साल्ट में अमोनियम क्लोराइड मिल गया आपको,
तो अमोनियम क्लोराइड क्या गुण है, तो वह आपको क्या करेगा, सबलाइम कर देगा गर्म करने पर। तो लेकिन कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड है वह सबलाइम नहीं करता है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल क्या हो गया, तो एग्जाम्पल हो गया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कंकर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। तो अगर किसी भी मिक्सचर में अगर यह सबस्टांस है, क्या क्या, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कंफर है, नेफ्थलीन है या एंथ्रासीन है, तो बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस हम अलग अलग कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखो, हम इस तरह से एक स्टैंड ले लेते हैं और इस स्टैंड में क्या करते हैं, एक बर्नर सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बर्नर है, इस बर्नर को हम क्या करते हैं, गैस से कनेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर हम एक चाइना डिश रखते हैं। ठीक है, इस चाइना डिश में हम जो हमारा मिक्सचर है वो हम मिक्सचर ले लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर हमने इसमें रखा है मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फनल ले लेते हैं और फनल को उल्टा करके लगा लेते हैं इस तरह से, इस तरह से हमने एक फनल ले लिया और फनल का जो निचला सिरा होता है उस पर हमने ऊपर में क्या किया हमने, तो कॉटन से इसको हमने ढक दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। अब जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो अब क्या होगा, इसमें हमारा मिक्सचर है कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड है, तो जैसे ही इस मिक्सचर को हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, सबलाइम करेगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड सबलाइम करेगा तो इसके वेपर क्या होगा, ऊपर उठेगा। आपको जैसे ही ऊपर उठेगा तो यह इसके जो फनल के जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर क्या होगा, वो एक्युमुलेट होना शुरुआत होगा, और जैसे एक्युमुलेट होगा फिर बाहर से ठंडक मिलने के कारण से क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंस हो जाएगा तो उसके जो क्रिस्टल होंगे वह क्रिस्टल यहाँ पर फॉर्मेशन होना शुरुआत हो जाएगा। और नीचे में हमारा क्या था, कॉमन साल्ट था, वो कॉमन साल्ट क्या होता है, सबलाइम नहीं होता है, जिसके कारण से कॉमन साल्ट नीचे ही रह गया और जितने अमोनियम क्लोराइड थे वह ऊपर में चला गया। अब क्या करते हैं कि इस गैस को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद जैसे ही फनल को हम निकाल करके एक पेपर पे लेके झाड़ते हैं तो उसमें जितना भी अमोनियम क्लोराइड था वह अलग हो गया, तो इधर कॉमन साल्ट रह गया और उधर अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट के मिक्सचर को हम सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन बाय मैग्नेट, सेपरेशन बाय मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा अलग करना। अब मैग्नेट के द्वारा कैसे अलग करेंगे, देखो सेपरेशन ऑफ दिस टेक्निक टेक्निक इज अप्लाइड ऑन दैट सबस्टांस
लिए। Attracted by magnet. पढ़ाई की सेपरेशन का जो यह टेक्निक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल हम उस सब्सटेंस को अलग अलग करने के लिए करते हैं उनमें से एक जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है ना। जैसे देखो कि चावल में मान लीजिए कि आप छोटा सा कांटी खरीद के लेके आ रहे थे, वह कांटी चावल में गिर गया। अब उस चावल में से उस कांटी को अलग करना है तो क्या आप उसे चुन के अलग करोगे, है ना। आप सिंपल से कहोगे चुंबक लेके जाओगे और उस चावल में रख दोगे, तो जैसे चावल में चुंबक रख दोगे तो सारे कील क्या होंगे उस चुंबक में आकर्षित हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे। तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, उस चावल में से उस कील को आप अलग कर सकते हो। लेकिन वही पता चुने जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट के द्वारा हम सेपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि उसमें से एक सब्सटेंस क्या हो, चुंबक के द्वारा आकर्षित होने वाले हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप कह रहा है और मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर इज सेपरेटेड बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर, कहे कि मिक्सचर में क्या आयरन फिलिंग है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और सल्फर पाउडर है, तो उस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन फिलिंग क्या होगी, मैग्नेट में चिपक जाएंगे आपको और इस तरह से वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, स्क्रैप आयरन is separated from a heap of waste materials by using a big electromagnet हम कहते हैं कि आप देखो कचरा का ढेर देखे होंगे, उस कचरा के ढेर में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं जो आयरन के बने हुए होते हैं। तो उस कचरा के ढेर में से आयरन की वस्तु को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, मैग्नेट का निर्माण करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का निर्माण करते हैं तो उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो उस बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो स्क्रैप है उस स्क्रैप में से क्या कर सकते हैं, आयरन की वस्तु को हम अलग अलग कर सकते हैं। थर्ड हमारा है सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन मतलब छानना, जैसे आप घर पे देखते होंगे चाय को क्या छानते हुए, है ना। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को भी सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। अब देखो इसमें कैसे क्या करते हैं, तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए
लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग अ हिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कर सकते हैं किसी लिक्विड मिक्सचर से अलग कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि पानी में किसी ने क्या कर दिया तो बालू मिला दिया, अब उस बालू को पानी से अलग करना है तो आप क्या करोगे तो एक कपड़ा लेकर क्या करो उसे छान के अलग कर दोगे। तो ये जो छानने की प्रक्रिया है ताकि पानी में जो नहीं घुला हुआ सब्सटेंस है उसको अलग करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है आगे देखो आप फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। ठीक है तो फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम किसको अलग करने के लिए कर सकते हैं तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जो जल में घुलते नहीं है। जैसे जल में चीनी घुल जाते हैं तो उस चीनी और जल के घोल को अलग करने के लिए नहीं, जल में आपको मिट्टी नहीं घुलते हैं, जल में बालू नहीं घुलते हैं, जल में कंकड़ पत्थर नहीं घुलते हैं तो उसको अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है अब जैसे इसका एग्जांपल देखो है ना, फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ चॉक and water is separated by filtration। क्या कह रहा है कि अब मिक्सचर ऑफ चौक एंड वाटर, चौक और वाटर की मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं सेपरेशन सॉरी फिल्ट्रेशन मेथड से हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे घर पे टी लीव्स चाय की पत्ती को, टी लीव्स इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। है ना घर पे जो चाय बनता होगा तो उसमें चाय की पत्ती क्या करना पड़ता है अलग करना पड़ता है, तो वहां भी क्या करते हैं हम लोग तो टी लीव्स को अलग कर लेते हैं है ना सील के द्वारा, तो सील के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं चाय की पत्ती को हम अलग अलग कर लेते हैं तो वह प्रोसेस क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वनली कैन बी सेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव
any solid substance which are dissolved in a liquid. A heterogeneous mixture of solid and liquid only can be separated by the process of filtration. यहाँ पर हम 100% heterogeneous जो mixture होते हैं solid के उसको ही हम अलग अलग कर सकते हैं, है ना? हाइड्रोजन मतलब जिसके पार्ट अलग अलग थे, जब पानी में हम लोग क्या करते हैं बालू मिला देते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं इस टेक्निक के तो अलग कर सकते हैं क्योंकि वह हाइड्रोजनस मिक्सचर का निर्माण करते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंस, या किस सॉलिड सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकता है व्हिच आर डिजॉल्व इन लिक्विड, जो लिक्विड में क्या हो घुल जाता हो, तो जैसे ही घुल गया तो होमोजेनस का निर्माण कर लिया तो उसको हम अलग नहीं कर सकते, जो नहीं घुला हाइड्रोजनस का निर्माण कर लिया उसको ही हम अलग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम लोग कल वीडियो बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू।